नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो पोस्ट करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो जल्दी से जल्दी आप आंसर लोग दे देंगे तो आप लोग मुझे काफ़ी हेल्प करेंगे और खुद की भी आपकी हेल्प हो जाएगी। गाइज देखिए, मैं दिन के अंदर कम से कम 3 से 4 वीडियोस पोस्ट करना चाहता हूँ, जिसके लिए शायद मुझे एक स्टाफ की भी ज़रूरत पड़े, बट सबसे पहले मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी। आपकी ज़रूरत ये होगी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप एक वीडियो के अंदर क्या जानना चाहते हैं। जब मैं एक रिक्रूटमेंट के बारे में बताता हूँ, अभी मैं आपको बता दूँ कि हर स्टेट के अंदर वैकेंसी तकरीबन आ रही है, ठीक है, वैकेंसी तकरीबन आ रही है, लेकिन मैं उसको अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कंटेंट जो है वो पोस्ट करना होता है, ठीक है। तो एक वीडियो ही मैं पोस्ट कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे अपना काम भी देखना है। बट अगर मुझे 3 से 4 वीडियो पोस्ट करनी है, तो उसके लिए मुझे ये जानना होगा कि आप क्या चाहते हो। देखो यार, मैं हर वीडियो तकरीबन ऑन एवरेज मैं बोलूँ तो मैं 4 से 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट की चली ही जाती है मेरी। बट उसको एवरेज लोग कितना देखते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट 30 सेकंड तक। तो गाइस, वो जो मेरे 5 मिनट वो तो मेरे बेकार गए, फिर तो वो मेरे बेकार गए ना। मतलब 3 से 4 मिनट मैं बेकार अपना वक्त जाया कर रहा हूं। तो इससे बेटर है कि जो चीज आप जानना चाहते हो, मैं उसी के ऊपर काम करूं। तो आप लोग क्या एक क्वालिफिकेशन, एक एज लिमिट और अप्लाई कैसे करना है, क्या बस यही जानना चाहते हो वीडियो में? अगर हाँ तो यस लिखकर बता दीजिएगा, मैं दिन में 3 से 4 वीडियो पोस्ट कर दूंगा, हर स्टेट की वैकेंसी जो है आपके लिए लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। बाकी अगर लोग इंटरेस्टेड होंगे और भी जानने के लिए, तो उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। तो इसके लिए मैं आपको 2 वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगा, पहली वीडियो क्वालिफिकेशन एज को लेकर, दूसरी वीडियो अप्लाई कैसे करना है, और तीसरी वीडियो अगर आप बोलोगे कि हाँ भैया हमें इसके बारे में और डिटेल में जानना है, तो फिर हम वो भी पोस्ट कर दिया करेंगे। तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा, और हाँ स्टेट कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए कम टू द टॉपिक, आज की वैकेंसी पे आते हैं। तो ये आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी है, जो कि 1 अक्टूबर से शुरू हो चुका है इसका फॉर्म। आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें TGT, PGT, PRT के लिए आपको एंट्री मिल जाएगी। 8,000 करीबन वैकेंसी इन्होंने इशू की है, हर साल इतनी ही वैकेंसी आती है, इस बार भी आ चुकी है। तो देखिए, अगर आप इनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। एग्जामिनेशन सेंटर आपको ऑल इंडिया मिल जाएगा, इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस होगी, वो स्क्रीनिंग टेस्ट, इंटरव्यू, टीचिंग स्किल और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपकी देखी जाएगी। वो एज पर पोस्ट होगा, तो कंप्यूटर के लिए इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं यहां पे क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन आपकी क्या मांगी गई है, इसके लिए मैं ले चलता हूं आपको नोटिफिकेशन के अंदर। तो देखिए, अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं पीजीटी के लिए, तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए जो सब्जेक्ट इन्होंने मांगा है उसके अंदर, ठीक है। अब वो सब्जेक्ट कौन सा मांगा है वो पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा नीचे, वो मैं आपको बाद में बताता हूं। तो इसके लिए समझ लीजिए, और आपके 50% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए, ठीक है, ओवरऑल पोस्ट ग्रेजुएशन में। अब आपकी प्रोफेशनल जो मतलब मांगी गई है, जो आपको पता ही है, बीएड तो भैया होनी चाहिए, और 50% मार्क्स इसमें भी मांगे गए हैं। टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन विद सब्जेक्ट वो जो इन्होंने मांगा है वो, और 50% इसमें भी मांगे गए हैं। बीएड इसमें भी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। पीआरटी के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन है, 50% मार्क्स मांगे हैं, इसमें बीएड हो जाए या फिर 2 सालों का डिप्लोमा आ जाए ELEDN में तो चल जाएगा, लेकिन इसमें भी 50% मांगे गए हैं। अब एक कंडीशन है यहां पे कि जिनकी परसेंटेज ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, जैसे कि ये वाली फील्ड आती है, इसमें अगर आपकी परसेंटेज 50% नहीं है, याद रखिएगा, तो आप लोग क्या एलिजिबल हो? जी हाँ, आप एलिजिबल हो, लेकिन इसमें आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो होनी चाहिए, ठीक है। इस केस में अगर आपकी ग्रेजुएशन, या फिर इस केस में मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, अगर आपकी 50% मार्क्स नहीं है बट आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है और आप इन दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो याद रखिएगा पोस्ट ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना चाहिए जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हो, तो उसमें आपके 50% मार्क्स जो हैं वो अगर हैं तो आप यहां पे एलिजिबल हो जाओगे तब भी इसके लिए, मतलब ग्रेजुएशन की परसेंटेज आपकी माफ कर दी जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पे एज लिमिट के लिए। तो देखो, जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं वो बिलो 40 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं, और जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस वगैरह है, वो 57 ईयर से कम तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये रही एक इंपॉर्टेंट चीज, आपका जो एग्जाम है वो 21 से 22 नवंबर 2020 के बीच में हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और चीज है। एक फीस है, वो 500 रुपीज आपकी ऑनलाइन पे हो जाएगी। लास्ट डेट 20 अक्टूबर 2020 है। तो जो भी लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, यहां पे अप्लाई का लिंक है, यहां पे नोटिफिकेशन का लिंक है। बाकी चीजें जानने के लिए, जैसे सब्जेक्ट आपको जानना होगा, तो मैं यहां पे बता देता हूं कौन कौन सा सब्जेक्ट इन्होंने मांगा हुआ है। तो चलिए, यहां पे मैंने ये सर्च किया, सब्जेक्ट इन्होंने कहा है आपका, चलिए मैं एक मिनट सर्च करके आपको बता देता हूं
कि कौन से पेज में है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये सब्जेक्ट हैं जो इन्होंने यहाँ पे मांगे हुए हैं पीजीटी और टीजीटी सबके लिए, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा और इन्हीं में आप जो है अप्लाई कर पाएंगे। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आवेदन करना चाहते हैं यहां से अप्लाई कीजिए, समझ आया क्या .in, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और प्लीज स्टेट और आप एक वीडियो में क्या चाहते हैं ये मुझे कमेंट करके जरूर